तो जी हाँ मेरे प्यारे छात्र और मेरे फ्री फायर लवर्स, आपको यहाँ पे देखिए सुबह के आपके 5 बज चुके हैं और 5 बजने पर आपको मैं यहाँ पे क्वार्टरली एग्जाम 2022 का सब्जेक्ट आपका इंग्लिश का आपका यहाँ पे पेपर आपका जो आपका मैक्सिमम मार्क आपका 50 है आपका यहाँ पे देखिए क्लास 9th का आपका 2 घंटा यहाँ पे आपका टाइम है इसका पूरा एकदम A to Z सोल्यूशन आज अभी अभी ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मैं लेके आ चुका हूँ, यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे हम इंग्लिश के पेपर में टॉप करें तो फटाफट ये पूरा पेपर देख लेना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको प्रॉपर आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। और सबसे ज्यादा देखिए इसको मैंने कैसे आपको करना है मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ। और यहाँ पे आज आपका यहाँ पे सुबह सुबह आपका ये यहाँ पे आपका एम होना चाहिए कि क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये तो बन जाएंगे आपसे, ठीक है। आप यहाँ पे ढूंढ कर इसी से क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम है होता कहाँ से है, टिक ऑफ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, इसे पढ़ लीजिए आप अच्छे से एक बार, ठीक है। और इसके साथ आपको यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन इसे अच्छे से देखिए। और साथ में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आपका सबसे वेरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ पे शॉर्ट आंसर करना है, ठीक है। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है। आप एक एक क्वेश्चन यहाँ पे 1 से लेकर 4 तक की मैं आपको दूंगा, इन सभी के आंसर कर लीजिएगा। साथ में आपको यहाँ पे देखिए आपको डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आपको कैसे करना है, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आपको आएंगे। सभी क्वेश्चन एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। आप एकदम रिविजन करिए, घोल कर पी जाओ, आपको यहाँ पे कोई फेल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इन्हें आपको एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। देखिए जैसे आपको यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, आप इसे CNN, IVC, IPL और FIFA ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन 5वां आपको यहाँ पे एक देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखना है, आपको यहाँ पे गुटका के बारे में आपको यहाँ पे एक बनाना है, स्लोगन बनाना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ पे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे बताना है। साथ में आप यहाँ पे सिक लीव का पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इसके अलावा आप जो है जैसे यहाँ देखिए आपको यहाँ पे जो है आपका सिक लीव वाला आपको क्वेश्चन ये मिल जाएगा, ठीक है। आपको छुट्टी आपको लेना है, आवेदन पत्र लिखना है, तो ये क्वेश्चन भी आप यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लेना क्योंकि देखिए वायरल पेपर है, क्वेश्चन आपका चेंज भी हो सकता है। तो आपको यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए आपका लीव वाला क्वेश्चन और यहाँ पे TC ट्रांसफर सर्टिफिकेट ये वाला क्वेश्चन तो आपको मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पे बताऊंगा इस क्वेश्चन में, ठीक है, आपके इस पेपर में आपका दिया हुआ है। और इसके साथ आपको यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कंसेशन, ठीक है, आपको देखिए आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट करना है किसके लिए, प्रिंसिपल को, फी कंसेशन के लिए। आपको ये क्वेश्चन भी आपको आंसर एक बार यहाँ पे आपको देख के जाना है, देख लीजिए। और साथ में आपको यहाँ पे एक आपका यहाँ पे आता है कौन सा, अपने यहाँ पे अपने फ्रेंड को बुलाना है आपको सिस्टर या ब्रदर की शादी में, तो कैसे क्वेश्चन आपको आंसर लिखते हैं, आपको यहाँ पे इसका आंसर आपको यहां से लेकर यहां तक दिया गया है, ठीक है, इसे करिए। और इसके साथ आपको यहाँ पे सिंपल से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। लास्ट में आपको यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, आपको यहाँ पे आपको 150 से 2 शब्द में आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है। तो इनके सारे के आंसर मैं देने वाला, चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी छात्र यहाँ पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे पहले वीडियो लाइक करिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि मैं आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाने वाला हूँ। मैंने आपको इनके सभी के आंसर आपको प्रॉपरली आपको दे दिए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो एक बार फटाफट आप यहाँ पे देख लीजिए। आपका मैंने इसका पूरा आंसर आपका पैराग्राफ का आंसर बताया था, यहाँ पे आपको देखिए आपको आंसर आपको पहले का द टिक एक द करेक्ट आंसर द एडियोम ब्लैक सियर आपका सिप ऑफ द फैमिली मीन्स का, इसका मतलब क्या होगा, आपको आंसर ए ब्रस्ट मेंबर करना है। सेकंड का आंसर द रूट फ्रॉम द वर्ड परस्यूइंग, ठीक है, आपको आंसर आपको यहाँ पे परस्यू करना था। और इसके बाद तरुण ग्रेट्स कुड हार्डली सेटिस्फाई हिज, ठीक है, आपको इसका आंसर पेरेंट्स करना था। और इसके बाद बी नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको बी नंबर के जितने भी क्वेश्चन है आपको इसमें आंसर आपको करना था। देखिए 3 आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन का आंसर आपको दिखा रहा हूँ। पहले का आंसर देखिए, व्हाट डू विल पर्सन हु इज द गुड स्पोर्ट एंड रिक्वायर फिजिकल स्ट्रेंथ, ठीक है, पहले का आंसर आपको यहाँ पे यहाँ लिखा है, पहले का आंसर ये हो जाएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट करिए और याद कर लीजिए यहाँ तक। और इसके बाद देखिए, हाउ एवर ही वाज ब्लेस्ड विद द स्टेट ऑफ द ग्रेट एथलीट ही वाज एन एक्सीलेंट रनर आपका होगा। और इसके बाद सेकेंड आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, हु मेड फैमिली प्राउड, देखिए आपको सभी का आंसर आपको इसी में है, फैमिली प्राउड के बारे में कब होता है भाई साहब, आपको प्राउड कब होगा फील होगा, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम ए रिप्यूटेशन कॉलेज ऑलवेज मेड ऑफ द फैमिली प्राउड, इसका आंसर आपको यहाँ पे लिखा गया है पूरा आपका सेम देख लीजिए। और इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, गिव द एनाटॉमी ऑफ द सेटिस्फाई, तो सेटिस्फाई का आंसर आपको यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मैंने आपको यहाँ पे लिखा है फ्रस्ट्रेट देख लीजिए। और इसके बाद इसमें भी लिखा है, और तरुण वाज आर नेवर गुड किसमें नहीं था, सिंगर में नहीं था, आपका डांसिंग में और आपका पेंटर में, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा गया है सिंगर डांसर पेंटर, ये देखिए ही वाज नॉट अ गुड
आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन आपको देखिए पांचवा सिनोनिम्स आप रिप्यूटेड, आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे रिस्पेक्टेड करना है। आप इसका आंसर देख लीजिए और पूरा आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो का आंसर देखिए, आपको इसको पढ़कर इसका आंसर करना था। आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से पहले का आंसर चेस इज एन, आपको आंसर आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, आपको कॉर्टियस लिखना है। क्या लिखा है? CORTEOUS, ठीक है। और इसके बाद देखिए चेस इज आ, आपको यहाँ पे पीसफुल। तीसरे का आंसर द पोएट प्लेज विथ हिज, आपको यहाँ पे फ्रेंड करना है और द पोएट आपको इसमें नेवर करना है, क्योंकि देखिए पूरा आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट आपका अपोनेंट लिखा है और इसके बाद आई नेवर, ठीक है, लिखा कि नहीं लिखा? द पोएट डिस्ट्रैक्ट हिज अपोनेंट, किससे तो हो रहा है, तो आपको यहाँ पे नेवर का यूज होगा। और इसके बाद क्वेश्चन आपका बी नंबर का देखिए, आपको तीन क्वेश्चन है। Why do you think the poet calls game and peaceful game? आपको आंसर करना है। देखिए इसका आंसर आपको ये मिल जाएगा, Nobody get hurt when at the end the poet think the call the game of the peaceful game, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन दूसरा, आपका वार का अपोजिट करना है, आपको यहाँ पे पीस हो जाएगा। और सिनोनिम ऑफ द डिस्ट्रैक्ट, इसका आंसर आपको यहाँ पे बी बिल्डर करना है, BEWILDR। और इसके बाद तीसरे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका इनका आंसर 12 नंबर का है, तो इसका आंसर देख लीजिए क्या होगा। पहले का आंसर देखिए, आपको यहाँ पे सभी क्वेश्चन का आंसर देना है आपको यहाँ पे बुक से, ठीक है, टेक्स्ट बुक का आपको क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द जामुन ट्री एट लीस्ट अबाउट 5 सेंटेंस, आपको जामुन के बारे में आपको 5 आपका यहाँ पे सेंटेंस आपको बताना है। तो चलिए फटाफट इनका आंसर देखिए, ठीक है, फटाफट इसका आंसर करिए और ये आपके पूरे क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर मिलेंगे। मैंने इनका आंसर पूरा आपको कर दिया था, ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए पूरे आंसर। और इसके बाद चलिए मेरा ये पार्ट आपका 2 है, तो पार्ट 2 आपका यहाँ पे फटाफट आपको समझाने के बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 से आपको आंसर मैं प्रॉपर आपको देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यहाँ पे लिखा है डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, आई शैल नॉट गो टू द पार्टी, आई एम नॉट इनवाइटेड, ठीक है। आपको यहाँ पे रीराइट सेंटेंस यूजिंग अनलेस, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे आंसर करना पड़ेगा। मैं आपको इनका आंसर आपको लिख कर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आंसर अनलेस आई, ठीक है। आपको देखिए इसमें आपको अनलेस यूज करना है, तो पहले आप लिखेंगे अनलेस और अनलेस लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिख देना है आई एम इन्वाइटेड और इसके बाद आपको लिखना है आई शैल नॉट गो टू द पार्टी, ठीक है, गो टू द पार्टी। चलिए ये हो गया पहले का आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका दूसरा, यहाँ पे लिखा है सी इज अ सिंगर, सी इज अ डोमेस्टिक, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है, नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज करना है। तो आपको इसमें आंसर लिखना है सी इज नॉट ओनली, ठीक है, आपको यहाँ पे पहले आपको नॉट ओनली लगाना है, आ सिंगर ये लिखना है और इसके बाद बट आल्सो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, बट आल्सो सी इज आ ड्रामेस्टिक, ठीक है, ड्रामेस्टिक आपको यहाँ पे आंसर करना है, आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है तीसरा, योर डिनर इज ऑन द टेबल, आपको राइट सेंटेंस यूजिंग आपको इंट्रो इंट्रोड्यूटरी देयर नेम टाइप ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे आपको आंसर लिखना है, तो आपको यहाँ पे तीसरे का आंसर लिखना है, आपको बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना आपको है नहीं, बस आपको यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे आपको ये तीसरे का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ पे प्रेडिकेट, ठीक है, प्रेडिकेट फेमस फेस्टिवल ऑफ असम, ठीक है, आपको यहाँ पे असम, आपको यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ द प्रेडिकेट लिखना है, आप यहाँ पे लिख दीजिए आंसर, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पे आंसर, आपको यहाँ पे आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है आपका ये वाला क्वेश्चन जो आपको मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी देयर देना है, तो चौथे का आंसर आपको लिखना है चौथा देयर, देखिए देयर इज योर डिनर ऑन द टेबल, ठीक है, आपको यहाँ पे ये आंसर करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद देखिए पांचवे का आंसर, पांचवे का आंसर आपको लिखना है सी इज अ सिंगर, देखिए सी इज अ सिंगर, आपको यहाँ पे नेम ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है इसमें आंसर अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, आपको ये आंसर करना पड़ेगा। चलिए हो गया आंसर, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, देखिए आपको यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा, यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल आर्टिकल, आपको पहला क्या लिखा है आपको यहाँ पे पोला है द हार्वेस्टर फेस्टिवल, देखिए पोला के बारे में बात कर रहा है, हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, आपको यहाँ पे आंसर द का यूज करना है, क्या करना है आपको यहाँ पे द लगाना है,
लगा लीजिए। इसके बाद वंस अपान, अपान के बाद आपको यहाँ पे आ टाइम, देयर लिव्स, और इसके बाद आपको एन ओल्ड, देखिए ओल्ड साथ हमेशा एन लगता है। और तीसरे का आंसर देखिए क्या लिखना है आपको यहाँ पे, डैश डैश पोलैंड ट्रॉपिकल वाइंड अप द स्ट्रॉन्ग मूवी वेरी रैपिडली आ सर्कल राउंड द क्लेम सेंट्रल एरिया, आपको आंसर ए करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैपिटल करना है, ठीक है, क्योंकि पहला आपका यहाँ पे कैपिटल होता है। और सी नंबर देखिए, एक्सपेंड द फॉलोइंग एब्रीवेशन द आपका एक्रोनेम, ठीक है, आपका इनका आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है। तो सी एन एन क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे सभी के आंसर आपको यहाँ पे लिख कर दे रहा हूँ। चलिए टेंशन मत लीजिए, हम आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे मदद करने वाले हैं। आपको यहाँ पे सी एन एन का फुल फॉर्म लिखना है आपको, देखिए द केवल न्यूज नेटवर्क, ठीक है, आपको यहाँ पे ये करना है। इसके बाद देखिए आईबीसी का, तो आईबीसी का है आपका यहाँ पे इन टेंट बेस्ड, और इसके बाद आपका नेटवर्किंग, ठीक है, आप यहाँ पे नेटवर्किंग कर लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सीएनएन का हो गया, इसके बाद आईबीसी का हो गया, और इसके बाद आपका यहाँ पे आईपीएल, आईपीएल का फुल फॉर्म होगा इंडियन प्रीमियर लीग, प्रीमियर लीग, ठीक है, चलिए हो गया। और चौथा आपका लिखा है फीफा, तो फीफा का आपका होता है नेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन फुटबॉल, ठीक है, चलिए बन गया। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका पांचवा, क्वेश्चन पांचवा में राइट आई स्लोगन अगेंस्ट यूज ऑफ द गुटका, ठीक है, गुटका यानी आपका टोबैको, सिंपल सी बात है। इन द आपका लिखा है साई रब्दा ठिकमक्का आपका बायोडाटा इन द टेबल गिव्स ब्लो, आपको यहाँ पे इसका आंसर करना पड़ेगा। आपको बहुत सिंपल है, इसका भी आंसर आप यहाँ पे कर सकते हैं। हम आपको यहाँ पे पैराग्राफ किसका देते हैं, आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आपका टोबैको यानी आपके गुटका के बारे में आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे पूरा कर लीजिए और पूरा एकदम लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे आपको जो मिलता है क्वेश्चन नंबर पांच, ये वाला अथवा वाला क्वेश्चन आपको करना है नहीं, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर छठा देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है सपोज यू आर ए अरविंद, ठीक है, आप अरविंद साहू हैं, आप पढ़ते हैं यहाँ पे कहाँ पे आपका अकल तारा, राइट एन एप्लीकेशन आपको यहाँ पे टीसी का यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है, कहाँ पे आपका हुआ है जांजगीर अप टू आपका बिलासपुर। तो इसका आपको आंसर करने के लिए देख लीजिए आपको यहाँ पे आपका टीसी यानी आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट पूरा का पूरा आंसर आपको दे रहे हैं। देखिए इसमें आपका शिवपुरी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे लिखिए टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल, आपको इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन को समझिए पहले, क्वेश्चन में आपका यहाँ पे लिखा है जांजगीर लिखा है, क्या लिखा है आपका, देखिए नाम क्या है आपको यहाँ पे, तो नाम आप तो लास्ट में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे जांजगीर से बिलासपुर हो रहा है तो आप यहाँ पे जांजगीर लिखेंगे, क्या लिखेंगे जांजगीर, ठीक है, जांजगीर कर दीजिए। और इसके बाद देखिए आपको एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसके बाद पूरा आप लिख दीजिए। आपको यहाँ पे पूरा लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको लास्ट में आपको यहाँ पे जो लिखा है आपका नाम अरविंद साहू है, ठीक है, आप यहाँ पे लिख दीजिए अरविंद साहू, अरविंद कर दीजिए साहू, और इसके बाद आप यहाँ पे लिख दीजिए क्लास 9th रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहाँ पे ऐसा आंसर करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे सातवा, डिस्क्राइब वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, आपको 150 से 2 शब्दों में आपको यहाँ पे एनी फेस्टिवल के बारे में, आपका कोई भी फेस्टिवल ले लो, आपका रक्षाबंधन ले लो, कोई भी ले लो, 15 अगस्त ले लो, 26 जनवरी ले लो, ठीक है, वंडर ऑफ साइंस आपका यहाँ पे, और माई हॉबी और एनवायरमेंट आपका पॉल्यूशन। चलिए हम आपको यहाँ पे इनका भी आपको पहला आपको कोई फेस्टिवल के बारे में देखिए, एनी इंडियन फेस्टिवल, तो आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके बाद आपको मेन फेस्टिवल ऑफ इंडिया जैसे आपका दीपावली हो गया, और इसके बाद आपका होली हो गया, और आपका यहाँ पे रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे आपको कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। और यदि आप चाहते हैं वंडर ऑफ साइंस के बारे में, तो वंडर ऑफ साइंस का आपको यहाँ पे पहला आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा, इसके बाद साइंटिफिक आपका इन्वेंशन, और इसके बाद देखिए इलेक्ट्रिसिटी, चौथा आपका मेन्स आप ट्रांसपोर्ट, पांचवा आपका मेन्स आप कम्युनिकेशन, छठा आपको मेडिसिन एंड सर्जरी, सातवा का आपका एटॉमिक एनर्जी, आठवें का कंप्यूटर्स, और नवे का आपका डिसेबल ऑफ साइंस, और दसवें का आपको कंक्लूजन, ठीक है, यहाँ पे आंसर कर लीजिए प्रॉपर। मैंने आपको यहाँ पे एक से लेकर 7 तक के आंसर मैंने आपको सब के सब आपको यहाँ पे दे दिया है, तो आई होप ये आपको पूरा का पूरा आपको यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद जय भारत।